क्या आपको कभी किसी ने हैक किया है? तो अगर आपको किया हो तो यकीनन अगर आप सिगरेट पीते हो तो आपकी सिगरेट की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती होगी और आपने कसम उठा रखी होगी कि मैं पूरी दुनिया के सिगरेट को ख़त्म कर दूंगा जब तक मुझे हैकर का पता नहीं चलता। और आपकी नींद जो कम हो जाती है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है काम करने का, तो आप यकीनन दोबारा हैक होना चाहते होंगे ताकि आपको नींद थोड़ी कम हो, आप सिगरेट ज़्यादा पिए और दुनिया से सिगरेट ख़त्म करें। तो इस वीडियो को आप देखते रहें, मैं आपको बताऊँगा कैसे आप बड़ी आसानी से खुद को हैक करवा सकते हैं 5 सिंपल स्टेप में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरा नाम मोहम्मद सनावला है और आप देख रहे हो उर्दू टेक क्लब। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा कैसे आप अपने आप को हैक करवा के एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं, यानी कि आपकी नींद उड़ जाएगी, आपकी सिगरेट ज़्यादा हो जाएगी और आप पूरी दुनिया से सिगरेट ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा आपकी जो टाइम जो बच जाएगा कम सोने की वजह से, उसे एक अच्छे इस्तेमाल में ले आके आप अपने काम को बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का अंत तक देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ सारे ट्रिक। नंबर पहला ट्रिक जो है, जब भी आप अपना कोई जीमेल अकाउंट सोशल मीडिया अकाउंट बनाएं तो एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखें कि या तो आप जिस शहर में रह रहे हैं पासवर्ड आपके शहर का हो, या फिर आपका मोबाइल नंबर आपका पासवर्ड हो, या फिर आपके मशूक का नाम हो आपका पासवर्ड हो। इसके अलावा अगर आपको कुछ और पसंद है जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, या आपका कोई कुत्ता पसंद है उसका नाम रख दिया जाए, तो इस तरह आप बड़ी आसानी से कोई ना कोई हैकर 5 या 10 ट्राई के अंदर आपके पासवर्ड को गेस कर लेगा और आपको हैक कर देगा। दूसरे तरीके से वाईफाई हैक करने का यह है कि आप जब भी कोई वाईफाई अपना सेटअप करें, अपने घर के अंदर कोई वाईफाई लगाएं, तो उसका पासवर्ड कभी ना लगाएं, वाईफाई को ओपन रखें ताकि कोई भी आपको कनेक्ट कर सके और इजीली आपको हैक कर सके। नंबर 3, बड़ा आसान बड़ा सिंपल, कि आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें आंखें बंद करके नेक्स्ट करते रहें, कुछ भी इंस्टॉल करें, आपने कुछ नहीं सोचना क्योंकि आपने हैक होना है, तो आप इजीली सब कुछ नेक्स्ट करें और उसके बाद आप मजे करें। इसके अलावा कोई एक्सटेंशन डाउनलोड करने के ब्राउजर के अंदर कोई पॉपअप ओपन हो, आपने सब कुछ डाउनलोड कर लेना, सब कुछ इंस्टॉल कर लेना, कुछ ही टाइम में कुछ ही दिनों में आप ज़रूर हैक हो जाएंगे। नंबर 4, चौथा तरीका है अपने आपको हैक कराने का, बड़ा आसान है। जब भी आपके पास कोई ईमेल आए जिस पे लिखा हो कि हॉट गर्ल्स की पिक्चर डाउनलोड करें, वहाँ अटैचमेंट होगी, उसे डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पर जरूर चलाएं। जैसे आप चलाएंगे हो सकता है कि हॉट गर्ल्स की पिक्चर्स तो ना मिले लेकिन आपका कंप्यूटर जरूर हॉट हो जाएगा। हॉट होने के बाद क्या होगा, हो सकता है कि वो आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर ले और आपको हैक कर ले। तो ये बड़े आसानी से अपने आपको आप हैक करा सकते। नंबर 5, पांचवा तरीका अपने आपको हैक कराने का बड़ा आसान है। यकीनन जब भी आप कहीं साइन अप होता है जैसा फेसबुक, ट्विटर या फिर अपने जीमेल वगैरह अकाउंट के अंदर, तो जहां भी आप लॉगिन हो सेम यूजर ने पासवर्ड आपने हर अपने ईमेल पासवर्ड के रखने हैं, यानी कि जो भी जहां भी जैसा भी कोई अकाउंट बनाए उसके अंदर आपने पासवर्ड और ईमेल और यूजर नेम एक ही रखना है, ताकि जब भी आप हैक हों तो सारे के सारे आपका चीज़ें हैक हों। तो इस तरह आप अपने सिर्फ एक जीमेल या फेसबुक से हाथ नहीं धोएंगे, आप सारे अकाउंट से हाथ धो लेंगे। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका अपने आपको हैक कराने का। बोनस टिप मैं आपको देता हूँ, जो जब भी आप कोई अकाउंट बनाए बेशक वो फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर जीमेल हो, कभी भी 2-स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिव ना करें, क्योंकि इसकी वजह यह होती है कि अगर आपका पासवर्ड लीक भी हो जाए तो वो फिर भी आप हैक नहीं होते, तो क्योंकि आपने हैक होना है तो इसलिए आपको कभी भी इसको एक्टिव नहीं करना। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया इसे डिसलाइक करें, कमेंट्स करें क्यों नहीं पसंद आई, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं इसे बेहतर बना सकूँ। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।